Amazing. They're a fine mixture of religiousness and there's so many things in every painting. There's a certain mood. It's about Nandi, and every Nandi's eyes somehow are looking different to me, and every Nandi's eyes have a different expression. The way he's put all the Nandis, some have a stone effect, and some are symbolizing peace. And there are Nandis from all over the country, from different parts of the country. So it's, and then he's got Varanasi in the background. So it's actually, and the depth is what has caught me, the depth of the painting. So I think it's truly amazing. जी नहीं कोई शौक ऐसे या शौक मेरे बहुत हैं बेटा मिलो तो बता दूं पर पेंटिंग कला जो है वो क्या मैं अलग किस्म का कलाकार हूं मेरी कला अलग है इनकी कला अलग है मुझे ब्रश पकड़ना तक नहीं आता हां इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना कर सकता हूं तो समझ में आता है लेकिन कर नहीं पाता एक तो हमने कल पोस्ट किया था मिस्टर बजाज का और बोल रहे थे कि न्यू एकता बजाज एकता कपूर बजाज जी जी अब नर्वस हो रहे हैं आप सर न्यू बजाज के जो रोल है उसके सर चालू हो चुका है सो क्या एक्सपेक्ट जो नया आएगा वो ये कॉन्फिडेंट है क्या नाम है तेरा जो नया जो आने वाला है किरदार जो निभा पाएगा आपके क्योंकि जो प्यार आपको मिला है वो नहीं लगता नहीं कि वापस से जो आएगा जो उसे उतना ही मिल पाएगा आपका क्या ओपिनियन है क्यों आपको ऐसा लगता है क्यों नहीं कर पाएगा देखिए मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वो मुझे एक तो वो पात्र मिला और मिला तो फिर वो बन गया देखिए कोई भी अभिनेता स्वयं अपने किरदार को नहीं बनाता है उसमें बहुत लोग होते हैं लेखक होते हैं जो लिखते हैं आपका पात्र लिखते हैं आपका नाम भी तो लेखक के वहाँ से या कलम से आता है तो फिर वो किस तरह से बोलेगा क्या बोलेगा ये सब लेखक देता है फिर हमारे निर्देशक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं फिर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं तो वो अलग बात है वो 7 साल हो गए 8 साल हो गए
नौवां साल चल रहा है कसौटी ख़त्म हुए और नौ साल बाद एक नया अध्याय कसौटी का शुरू हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि एक बात कॉमन है तब में और अब में कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की वो एकता कपूर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो तब कर पाई हैं तो इस बार भी कर पाई हैं। सर हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कई एक्टर हैं जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं, तो उस समय भी बहुत लिस्ट में बहुत सारे नाम थे और इसलिए मैंने अदिल से कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला, तो अभी देखते हैं कौन आता है। जी जी मेरी को स्टार रह चुकी हैं और मेरी बहन समान है, वो तो हमेशा अपनी बहन के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि, और जिस तरह से वो हैं और मैं ये बात जानता हूं उनकी कि वो बहुत मेहनत करती हैं फील्ड पे ऑन ग्राउंड, तो मेरी शुभेच्छाएं उनके साथ और अच्छे खासे मैं चाहूँगा बहुमत से उनका विजय हो। किस पे क्या लगा है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और ये आर्ट की जगह है इसमें कहाँ क्या क्या लेके आते हैं। I've already given my best wishes. मैं अब इनसे मिलाना चाहता हूँ, और ये नंदिनी जी हैं और मैं परमेश जी के लिए यहाँ आया हूँ, उसकी एक वजह उसका एक कारण नंदिनी जी भी है, क्योंकि परमेश जी का एक संदेश नंदिनी जी के थ्रू आया और वो बड़ा ही भावुक मैसेज था, और नॉर्मली मैं इतना दूर आता नहीं हूँ, आप सबको पता है मैं घर से नहीं निकलता, लेकिन वो संदेश मुझे यहाँ तक लेके आया और परमेश जी का मैंने काम देखा और मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया। परमेश जी को बहुत बहुत बधाई और आगे जो भी काम करना चाहे उसमें वो सफलता पाए। शुभेच्छा।